नमस्कार दोस्तों, मैं सुलेखा वरलक्ष्मी आप सभी को कुछ बताना चाहते हैं। एक दो बच्चे हैं जो कि बुनी हटिया में रहते हैं, आज कुछ बताने वाले हैं। इनके घर में सांप घुसा हुआ था, हम लोग तो थे नहीं घर में, और जो कि लोग मतलब पहली बार मतलब डब्बे में सांप मतलब पैक कर दिया आंटी है, हम खुद से रेस्क्यू किए हैं, देखिए सांप को बचाए। तो बताइए बाबू, आप लोग हम लोग दोनों भाई हैं, मेरा नाम है शक्ति, इसका नाम है बॉबी। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं संत जोसेफ चिल्ड्रन स्कूल में। तो हम लोग इसको पकड़े, हम लोग को इसका नाम नहीं पता है कौन सा सांप है। तो अभी हम लोग इनको इनका घर आए हैं देने, तो बताएंगे अब इनके बारे में कुछ। हम लोग आए हैं सांप को देने, एक किलोमीटर दूर से अभी इनको दे देंगे और सांप को छोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेक्सर बजरंगी यादव। दोस्तों आज जो देख रहे हैं ये जो बच्चा तो है, ये लोग सांप को किसी प्रकार किसी तरह से बहुत मशक्कत के बाद ये लोग क्या किया, सांप को ये लोग बचाने के चक्कर में ये लोग सांप को डब्बा में पैक करके ये लोग लेने आए हैं, देने आए हैं स्नेक्सर लक्ष्मी को। तो देख सकते हैं ये सांप है, ये ग्लोसी मार्स स्नेक है, ये सही बनी मस, इसमें कम जहर पाया जाता है और ये हमारे झारखंड में बहुत कम मिलता है। देख सकते हैं इसे आप, यह है ग्लोसी मार्स स्नेक, देख सकते हैं किस तरीके से इसका बॉडी के ऊपर काला है। और देखिए जो पीछे जो साइड दिया है, देख ले किस प्रकार से देख रहे हैं, ये लाइनिंग है और वाइट और ब्लैक में एक धारी लाइनिंग है। देख सकते हैं ये जो सांप है ये ग्लोसी मार्स स्नेक है दोस्तों, और ये सांप हमारे झारखंड में बहुत कम मिलते हैं, समुद्र किनारे पाए जाने वाला ये सांप है दोस्तों, ग्लोसी मार्स स्नेक। और इसमें ये नहीं है कि जहर बहुत ज़्यादा पाया जाता है या फिर आदमी काटे तो मर जाता है, ये गलत है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि समुद्र में सांप है, समुद्र का सांप है, काटेगा तो सांप मर आदमी मर सकता है, ऐसा गलत दोस्तों, ये गलत अफवाह है लोगों के बीच में। और दोस्तों इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी इंसान को सांप बाइट कर दे, स्नेक काट ले, तो देसी इलाज झाड़ फूँक चक्कर ना पड़े, बल्कि किसी भी घर के आसपास अस्पताल या फिर अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएँ, क्योंकि सांप काटने का इलाज जो होता है सिर्फ एक अच्छे दवा है एंटीवेनम। और किसी भी अगर मान लीजिए किसी को भी सांप काटे तो सबसे पहले डॉक्टर से ही जाना, डॉक्टर के पास ही जाकर इलाज कराएं। ये नहीं कि अपने घर के आसपास कोई भी तांत्रिक या फिर कोई भी ठग या फिर कोई भी झाड़ फूँक देसी इलाज करने पड़ के अपने बच्चों का या फिर अपनी मौत का जिम्मेदार ना बने दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ साथ हमारे पास तो दो और सांप है, एक इंडियन रेड स्नेक जिसे कल हम लोग रेस्क्यू किए थे, और लोग इसे सारे सांप को छोड़ देंगे। और एक हमारे पास ये है बेबी इंडियन रेड स्नेक। तो देखिए हमारे पास जो है ये इंडियन रेड स्नेक का रेस्क्यू किए थे, और ग्लोसी मार्स ये बच्चा लेकर भी आया है, ठीक है। बहुत बहादुरी काम किया है बच्चा, ये है बहुत बहादुरी काम किया कि हम लोग का देख के वीडियो और बहुत सारे स्नैक सेवर एक्सपर्ट लोगों का वीडियो देख के ये बच्चा जो है हम लोग को फ़ोन तो किया था, फ़ोन नोटिफिकेशन मतलब फ़ोन लगा ही नहीं, और फ़ोन लगाए तो ये लोग क्या करें क्या नहीं करें, सांप को लोग वहाँ पब्लिक सिटी में सांप को मार देते हैं। पर लेकिन बच्चा का हिम्मत को दाद देना होगा, और इसके सल्यूट करता हूँ मैं इस बच्चे को, ये सांप को बचा रहा है, सांप हमारे पारंपरिक के मित्र है, ये बच्चों को पता है क्यों, क्योंकि अभी ये क्लास 5-6 में है, इसे पढ़ाई के विषय में जानकारी है, हमारे पारंपरिक में क्या सेव करना है क्या सेव नहीं करना है इसे अच्छी तरीके से समझ है। तो आए दोस्तों जिन लोगों को सैल्यूट के साथ साथ जो इनके माता पिता हैं वो भी, उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। तो आज मैं सारे सांपों का जंगल में छोड़ता हूँ, एक छोटा सा बेबी ये जो है इंडियन स्नेक है और धामन सांप है ग्लोसी मार्स है, आइए हम लोग सांप को जंगल में छोड़ते हैं। चलिए हम लोग सांप को जंगल में छोड़ने चलते हैं दोस्तों, चलिए आप लोग भी आइए। दोस्तों देखिए हम लोग जंगल पहुंच चुके हैं काफ़ी दूर तक करके। दोस्तों देखिए हम लोग ये सांप छोड़ने वाले हैं, धामी सांप सारे सांप साथ में हैं, और देखिए हम इसे छोड़ने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी लंबे धामन सांप, देखिए काफ़ी बिग साइज। दोस्तों अभी इसे हम जंगल में रिलीज कर रहे हैं, देखिए
ये है छोटा धामन का बच्चा, इंडियन रेड स्नेक, देखिए इसे भी जंगल में रिलीज कर रहे हैं। घर दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।